हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक पार्ट टाइम का जॉब शेयर कर रही हूँ। ये जो काम है वो आप घर पर बैठकर करोगे और इसके लिए गाइज आप लोगों के पास में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और जो जॉब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ उसके लिए आप लोगों को ऐसा कोई हाई लेवल का इंटरव्यू भी नहीं देना है। इसमें मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, इसका एग्जाम दिया था और अभी मेरा काम यहाँ पर शुरू हो गया है। सो गाइज, ये जो काम है वो करने के लिए बेसिकली आप लोगों के पास में कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th पास हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, आपने कहीं भी कोई भी मतलब किसी भी तरह का अगर राइटिंग का स्किल आप लोगों के पास में है तो डेफिनेटली आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होते हो, क्योंकि ये जो काम करना है उसके लिए आप लोगों का राइटिंग आई गेस एक बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत अच्छी सी इंग्लिश आनी चाहिए। ये जो काम है वो आप लोग आपके लोकल लैंग्वेज में कर सकते हो, बंगाली, उर्दू, देन उड़ीसा, आप लोगों का हिंदी, मराठी, आप किसी भी लैंग्वेज में, इवन इंग्लिश में भी आप ये जो काम है यहाँ पर कर सकते हो। तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर एक्चुअल में टास्क क्या करना है, काम क्या करना है आप लोगों को, सो आप लोगों को AI को ट्रेन करना है। आप सब जानते हो अभी जो हम जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ पर सारा कुछ जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू में यहाँ पर चल रहा है। हम ChatGPT को देखो, आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपको उसका आंसर आता है। अब वही आंसर जब आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो इंग्लिश में आता है, हिंदी में टाइप करते हो तो हिंदी में आता है। तो डेफिनेटली AI को और पावरफुल बनाने के लिए जो स्मॉल स्मॉल टास्क होते हैं जहाँ पर इन लोगों को AI को और इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो उसका जो राइटिंग जो है वो सही है या नहीं। अब ये जो काम है वो आप लोगों को आप किसी भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जहाँ पर आपका AI यूज़ होता है उसके लिए ये जो हायरिंग है यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम होता है, पार्ट टाइम में ये काम कर सकते हो। इसके लिए मोबाइल, लैपटॉप, आप कहीं भी किसी से भी डिवाइस से ये जो काम है यहाँ पर कर सकते हो। अर्निंग आप लोगों के यहाँ पर आवर के हिसाब से होती है। पर आवर पर आप लोगों को यहाँ पर 450 से लेकर 700 तक आप लोग यहाँ पर आराम से कमा सकते हो। और इसके लिए गाइज आप लोगों को मंथ के मतलब एंड तक रुकने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेमेंट होता है वो वीकली बेसिस पर यहाँ पर होता है। वीकली आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट आपके अकाउंट में यहाँ पर आ जाता है और उसके लिए पेपल की भी जरूरत नहीं। आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में ये जो है वो आप लोगों की सैलरी जो है यहाँ पर आ जाती है। ओके, जो बेसिकली यहाँ पर काम है वो आप लोगों को राइटिंग का काम है। अब राइटिंग में क्या, तो ऑन द स्पॉट आप लोगों को कुछ टॉपिक दिया जाएगा और जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया उस लैंग्वेज में आपको उस टॉपिक पर लिखना है। और जब आप लिख रहे हो और सेम आप लोगों को AI भी जब वो चीज कर रहा है तो AI ने जो कुछ आंसर लिखा है उसको क्रॉस चेक करना है कि AI का जो आंसर है वो लैंग्वेज का जो करेक्शन है, फॉर्मेशन है, वो सही है या नहीं, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर करनी है। अब जो यहाँ पर हायरिंग कंपनी है दैट इज द आउटलायर AI, वो एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो MNC कंपनी है, आई गेस US बेस्ड ये कंपनी है जो हायरिंग कर रही है। अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर जो है ओपनिंग आ गई है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे पास में पहले सबसे एक टेस्ट का लिंक आया था जिसमें मुझे दो क्वेश्चन पूछे थे और उन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने के बाद में विद इन 24 आवर्स में मुझे नेक्स्ट मेल आता है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। इस तरह का ये मेल होता है और उसके बाद में इसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू होता है जहाँ पर आप लोगों को उनकी तरफ से एक अकाउंट ओपन करना है आपका उनके वेबसाइट पर। और वो अकाउंट ओपन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर ऑनबोर्डेड हो जाते हैं, उनकी तरफ से एक कॉल आता है और फिर आप लोगों का ट्रेनिंग यहाँ पर हो जाता है एंड देन यू विल गेट अ प्रोजेक्ट यहाँ पर, ठीक है। सो आप यहाँ पर ये जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने किस तरह से करी है वो एक बार हम के लिए जो लिंक है ना गाइज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जैसे ही वहाँ पर अप्लाई करते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की जो है यहाँ पर स्क्रीन आ जाती है। ओके, अब जैसे आप मेरे स्क्रीन पर अभी फिलहाल देख रहे हो कि यहाँ पर एक आउटलायर AI का ये पेज है जहाँ पर आप देखो आप कंटेंट एडिटर, कंटेंट राइटर, ट्यूटर, राइटिंग इवेल्युएटर, राइटिंग इवेल्युएटर, Tier 1 Tier 2 ऐसे तरह का यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर लैंग्वेजेस में देखो आप लोगों को कि अफ्रीकन है, मतलब हर एक कंट्रीज के लिए यहाँ पर लैंग्वेज आ गई है। ओके, सो यहाँ पर देखो ये गुजराती के लिए है, देन इटालियन, जापनीज। अब हम मतलब जो मैं चूज़ करूँ यहाँ पर आप लोगों को, जिसमें मैंने खुद एग्जाम दिया था दैट वॉज द हिंदी। अब यह देखो उर्दू की वर्ड्स के लिए, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को ये देखो नेटिव लैंग्वेज में हम जाएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि नेटिव मराठी का भी लैंग्वेज यहाँ पर आ जाता है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज AI ट्रेनर हिंदी। आर यू इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग ट्रेन AI मॉडल टू बिकम अ बेस्ट राइटर्स। सो आप लोगों को यहाँ पर AI को ट्रेन करना है, जैसे मैंने कहा कि राइटिंग में हम लोगों को इनको ट्रेन करना है। सो वी हैव अ सेवरल ओपन प्रोजेक्ट्स and where you looking for the talented writers to help in train generative artificial intelligence models to become a best writers। अभी यहाँ पर आप इसके जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। आप लोगों को क्या चाहिए तो
Work on a various writing Hindi projects to train generative AI models. Some examples of projects you might work on. And आप लोगों को ये करने के लिए क्या नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई मस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पर होना ही चाहिए. आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर होना चाहिए, फिर आप किसी भी लैंग्वेज में हो. देन आप लोगों को एनरोलमेंट हो और कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज फील्ड और फील्ड रिलेटेड टू द राइटिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है. अब इसके लिए अर्निंग एंड ड्यूरेशन क्या है, तो अर्निंग आप जैसे देख सकते हो कि $5 से लेकर $7.5 आर के आपके हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगी. लोकेशन यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का है, रिमोट है, ग्लोबली है. और ड्यूरेशन वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट लेंथ, फ्लेक्सिबल आवर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी. अभी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड आप लोगों का सीवी. देन आपने स्कूलिंग किया है तो स्कूलिंग, डिग्री कंप्लीट की है तो डिग्री, आप किस डिसिप्लिन में आपने किया है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है. अगर आपका कोई एक्स्ट्रा अदर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पर ये दे देना, ठीक है. देन आर यू अ नेटिव हिंदी स्पीकर और हैव यू स्टडीड हिंदी एज अ सेकंड लैंग्वेज टू C1 C2 लेवल. सो अगर यस है तो यहाँ पर डाल देना, ठीक है. इन विच कंट्री डू यू करंटली रिसाइड, तो हम इंडिया से है तो हम इंडिया के लिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे. आर यू ऑथराइज्ड टू वर्क इन द कंट्री यू हैव करंटली बेस्ट इन, सो यस कर लेंगे. और इसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पर कर लेंगे. आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करते हो तो आप लोगों के पास में एक ईमेल आईडी आ जाता है गाइस. अब इस ईमेल आईडी में यहाँ पर नियर अबाउट आप लोगों को 3 से 4 तरह के मेल यहाँ पर आ जाएंगे और तुरंत आ जाता है. देखो यहाँ पर जैसे कि एक आउटलेयर एप्लीकेशन अपडेट है, देन आप लोगों का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ये देखने के लिए, एंड देन आप लोगों का एक फाइनल जो इंटरव्यू होता है उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाए. ये देखो यहाँ पर लिखा है, यूर इंटरव्यू विथ आउटलेयर, हाई मनोरमा एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ कैंडिडेट फॉर वन ऑफ आवर आउटलेयर्स इन लैंग्वेज राइटिंग प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर आप लोगों को अभी क्या करना है, तो इसके नीचे आप लोगों को एक लिंक दी जाएगी. जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप लोगों का इंटरव्यू जो है यहाँ पर शुरू होता है. अब उसके पहले आप देख लेना कि यहाँ पर एक दो क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर देना है. और उसके लिए मिनिमम आप लोगों को 10 से 15 मिनट यहाँ पर मिल जाएंगे, वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए. और ये जो असेसमेंट टेस्ट है वो आप आपके हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हो और आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ पर दे सकते हो, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो जैसे ही आप यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करते हो तो इस तरह का प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाता है. को ओपन कर लेते हो तो आप लोगों के पास में इंटरव्यू के लिए ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि हिंदी लैंग्वेज स्क्रीन, वेलकम टू आउटलेयर लैंग्वेज. द फर्स्ट स्टेप इज टू सबमिट अ क्विक वीडियो स्क्रीनिंग थ्रू विल डेमोन्स्ट्रेट द प्रोफिशिएंसी इन योर लैंग्वेज. सो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा कि रिकॉर्डिंग अ ग्रेट इंटरव्यू. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन है. अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप लोग यहाँ पर जो मॉडल इंटरव्यू का दिया है वो भी यहाँ पर देख सकते हो. सो टिप्स बिफोर यू लॉग इन, यू हैव टू कंप्लीट कंट्रोल रिमोट एक्सेस, देन अपना वाईफाई सब कुछ चेक कर फिर हम लोग यहाँ पर जो है गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे. जैसे ही आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हो तो आप लोगों को हिंदी में यहाँ पर एक आंसर देना है कि इन वन पैराग्राफ टेल अस विच पार्ट ऑफ योर एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस यू थिंक विल बी द मोस्ट यूजफुल फॉर योर वर्क एज अ क्रिएटिव राइटर. सो आप लोगों को यहाँ पर जो है इसका आंसर देना है. अब इसका जो आंसर है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कितना भी बताऊंगी तो आप लोगों को यूजफुल नहीं होगा. सो इसका जो आंसर है मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ, सो दैट आप लोग डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि मैंने इसका आंसर किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है. अब वो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में मेरे पास में आता है कि सेकेंड क्वेश्चन, जैसे ही सबमिट करते हो तो. सो देखो ये भी हिंदी में मुझे देना है कि प्लीज एलाबरेट ऑन व्हाट इज योर फेवरेट ट्रेडिशन एंड व्हाई. जैसे यहाँ पर करोगे तो इसका जो कैमरा है वो आप कैमरे के लिए ऑथोराइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा और आप कैमरे के थ्रू में यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पर दे सकते हो. अभी यहाँ पर मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था, डिटेक्ट नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था. फिर जैसे ऑडियो मैंने कनेक्ट कर लिया तो मैंने इसका जो आंसर है उसको भी रिकॉर्ड कर उसको यहाँ पर सबमिट कर लिया. जैसे आपका जो आंसर है यहाँ पर अपलोड हो जाता है और एक बार अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ मतलब अच्छे तरह से आंसर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर रिटर्न कर भी यहाँ पर फिर से आंसर जो है यहाँ पर आपका रिकॉर्ड कर सकते. तो मैंने इसका जो आंसर है उसको भी रिकॉर्ड कर उसको यहाँ पर सबमिट कर लिया. जैसे आपका जो आंसर है यहाँ पर अपलोड हो जाता है और एक बार अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ मतलब अच्छे तरह से आंसर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर रिटर्न कर भी यहाँ पर फिर से आंसर जो है यहाँ पर आपका रिकॉर्ड कर सकते हो. ऐसा कोई है नहीं कि आप एक बार ही कर सकते हो, नहीं, आप लोगों को लगता है तो आप यहाँ पर सो ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर लिया. अगर आपको लगता है कि मैंने मतलब आपका आंसर सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर लो तो आप लोगों का आंसर जो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है. सो ये आता है और उसके बाद में आप लोगों को कंफर्मेशन का एक